पश्चिमी चंपारण के अंदर कठियागंज लौरिया मुख्य मार्ग वार्ड संख्या 21 मिथिला नगर स्थित प्राइड इंटरनेशनल स्कूल का आज उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में रामनगर की पद्मश्री विधायक भागीरथी देवी, इधर कठियागंज SDM धनंजय कुमार, SSB कमांडेंट प्रसेंजीत दास, बोर्ड चतुर्वेदी आदि ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। कार्यक्रम के संबोधन के दौरान SDM श्री कुमार ने कहा कि विद्यालय में शिक्षा की व्यवस्था के साथ साथ आधुनिकता और तकनीकी समावेश का भी ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि जो देखते हुए हम सीखते हैं वह हमारे व्यक्तित्व के साथ जुड़ती जाती है, जिसका प्रयास इस विद्यालय ने किया है, जिसका लाभ यहाँ के बच्चों एवं अभिभावकों को मिलेगा। SDM ने कहा कि शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता है, शिक्षा का मतलब अध्यात्म से जोड़ना भी है, क्योंकि अध्यात्म से आत्मबल मिलता है और विश्वास का जन्म होता है। जब तक हम बच्चों को किताबी ज्ञान देते रहेंगे तब तक दुनिया के संघर्ष में हम बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे और एक समय के बाद हम थक जाएंगे और थक कर बैठ जाएंगे। इसलिए शिक्षा के साथ अध्यात्म को जोड़ना जरूरी है, क्योंकि अध्यात्म व्यक्तित्व को निखारता है और भविष्य को अच्छे दिशा में ले जाता है। वहीं विद्यालय के ओनर मनीष कुमार मिश्र ने बताया कि विद्यालय में आधुनिक सभी सुविधाओं के साथ साथ खेलकूद मनोरंजन पर विशेष ध्यान दिया गया है। कार्यक्रम का संचालन गुरुकुल फाउंडेशन ट्रस्ट के निदेशक अवधेश दुबे ने किया। मौके पर पद्मश्री विधायक भागीरथी देवी, बोर्ड चतुर्वेदी, शिक्षक उमंग राज, विद्याधर शुक्ला, मनीष दुबे आदि उपस्थित रहे। बिहारी होने के नाते अपने शहर के लिए एक ऐसे विद्यालय की स्थापना की है जहाँ पे शिक्षा को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाता है। हमने यहाँ पे अपने स्कूल में शिक्षा और टेक्नोलॉजी दोनों को एक साथ लागू कर दिया। हम लोग क्लासरूम देख रहे हैं, हमारे सारे क्लासरूम स्मार्ट क्लासेज है, सारे क्लासरूम वातानुकूलित है, बेसिक क्लासरूम से सारे क्लासरूम से सीखने में लगा हुआ है। हमने कहीं कभी अपने स्कूल में एक जगह ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। जो आधुनिक युग की विशेषताएं हैं वो चीजें हमने दी है। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद पे भी ध्यान दिया गया है। जैसे आप हमारे क्लासरूम में देखें तो बच्चों को मन लगा रहे हैं, खेल के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं, इसकी सुविधाएं हमने दी। बड़ा अच्छा लगा ये देख के कि यहाँ सिर्फ शिक्षा की परंपरा को ही नहीं बल्कि आधुनिकता और तकनीकी का समावेश किया गया है, ताकि बच्चों को ये शिक्षा अच्छे से ग्रह है